शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन सबूत आज हाथ लगा, इसलिए मैंने सोचा कि घर वालों को बताने से पहले एक बार मैं तुमसे बात कर लूं। देख तो ऐसे रहे हो जैसे चोरी पकड़ी गई हो तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं है डैड। जिस दिन मेरे घर वालों को पता चल गया ना, उसी दिन वो मेरा और मेरे कजन उज़ैब का निकाह करवा देंगे। उसने तुम्हें मेरी वजह से नहीं छोड़ा, उसने तुम्हें तुम्हारी ही वजह से छोड़ा है। खुश नहीं था वो तुम्हारे साथ, आज मेरे साथ है और बहुत खुश है। और तुमसे हमारी यही खुशी नहीं दिखी जा रही। किसी और के हिस्से की खुशियां छीन के आज तक कोई खुश नहीं रह पाया। ना भीख मांगने आई हूँ और ना ही मोहब्बत मांगने आई, सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने आई कि कोई अपना समझ के अपना दिल किसी के सामने खोल के रख दे तो उसके दिल में से कुछ चुराया नहीं जाता। खास तौर पे उनके दिल के ख्वाब तो बिल्कुल भी नहीं। एक बात पूछूं तो जवाब दोगी? पूछो। वर्दा तुम्हारी सबसे प्यारी और गहरी दोस्त है और आज वो तुमसे नाराज होकर गई है। तुम उसका नाराज होना बुरा नहीं लगा? बुरा लगा या नहीं बुरा लगा, ये मेरा और उसका आपस का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ तुम्हारा और वर्दा का मामला नहीं है, ये पूरे घर का मामला है। तो ये कि मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा और ना ही कभी चाहूंगी। टाइम ये बता रही थी कि तुम्हें देखने के लिए आज एक फैमिली आ रही है। आ रहे हैं तो आने दो, मैं क्या करूं? अगर हम्माद तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो उसको बोलो तुम्हारे लिए रिश्ता भेजे। मेरे लिए ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों बोल रही हो। क्यों बोल रही हो? रहने दो और जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी और ये दिखावे की फिक्र की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि दूसरों के जख्मों पे नमक छिड़को। मुझे लगा कि तुम दुख में हो, इसलिए तुम्हारी दिल की बात कर ली, शायद तुम्हारा दुख बांट सको। लेकिन तुम क्या जानो दुख बांटना किसे कहते हैं। उसने तुम्हें मेरी वजह से नहीं छोड़ा, उसने तुम्हें तुम्हारी ही वजह से छोड़ा है। खुश नहीं था वो तुम्हारे साथ, आज मेरे साथ है और बहुत खुश है। और तुमसे हमारी यही खुशी नहीं दिखी जा रही। मैं नहीं जानती थी कि आज की दुनिया में भरोसा करना गलती करने को कहते हैं। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती तो वो ये बात जानता और तुम्हारे पास होता, और आज तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए मेरे पास भीख मांगने नहीं आना पड़ता। क्या कह रही थी वर्ता? गालियां दे रही थी। क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हारा नाम ले लेके बात कर रही थी, तुम्हारे नाम के ताने दे रही थी मुझे। जहाँ तो उसका हक बनता है ना। क्या कहा तुमने? हक बनता है? ठीक है तो कह रहा हूँ मैं। मेरे घर पे मेरे रिश्ते के लिए एक फैमिली मुझे देखने के लिए आ रही है, मैं वो सब छोड़ के यहाँ तुम्हारे पास आई और तुम हो मेरे सामने बैठ के उस वर्दा की तरफदारी कर रहे हो। मैं वर्दा की तरफदारी नहीं कर रहा, बस थोड़ी उसे हमदर्दी कर रहा हूँ। तुम्हें अगर यही सब बातें करनी है ना, तो प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो। अच्छा ना, नाराज तो मत हो प्लीज। जल्दी कर लो, शाम तक यही तलोगे। मानो तुम भी हाथ जल्दी चलाओ। क्या हो गया भाभी, क्यों परेशान हो रही है? हो जाएगा सब कुछ। अरे शरत, कैसे परेशान ना हो। एक तो ये लड़कियां बिल्कुल नहीं सुनती हमारी, कहा भी था कि आज कहीं मत जाएं। नूर तो अभी अभी आई है, कमरे में है भाभी। अरे मैं तो अपनी लीना की बात कर रही हूँ, जिसे देखने लोग आ रहे हैं।
पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। गई कहाँ? तुम तो जानती हो, बताती कहाँ है वो। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं नूर से कहती हूँ उसको कॉल करे और उसे कह के फौरन घर आए। हाँ हाँ प्लीज। आज पहली बार लड़के वाले तुम्हारे घर आ रहे हैं, कौन सा तुम्हारी शादी हो जाएगी? किसी ना किसी तरह से मैं ये लड़के वालों को तो फेस कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी तरफ से तो मुझे आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। इस बात का क्या मतलब हुआ? ये भी मुझे ही समझाना पड़ेगा। ये देखो बुलावा आ रहा है घर से। नीना, ये नूर तुम्हारी कजन है ना? अब देखो ना, दोनों एक ही घर में रहते हैं और दोनों की शादी का फैसला तुम्हारी फैमिली ने किया और उनकी अभी तक मंगनी भी नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शादी ब्याह के मामला रातों रात तय नहीं होते, वक्त लगता है। तो मैं कब कह रही हूँ कि आज ही मेरे घर बारात ले आओ, कम से कम अपने घर वालों से मेरी बात तो करो। और याद रखना हमाद अहमद, अगर आज तुमने बात नहीं की ना तो फिर मुझसे गिला मत करना। तो क्या करोगे तुम? आज आने वाले रिश्ते के यहाँ कर दोगी? नहीं, तुम्हारे घर पे खुद अपने रिश्ते की बात करने आ जाऊंगी। हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि आपने हमें इतनी मोहब्बत से खुश आमदेद कहा। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है चौहान साहब। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ तशरीफ लाए, आपने हमें इज्जत बख्शी, मुझे इस बात की खुशी। देखिए रिश्ता होना या ना होना ये तो सब किस्मत की बातें हैं, लेकिन एक दूसरे को हम इज्जत तो दे सकते हैं जो हमारा फर्ज है। जी हाँ। मेरे ख्याल से काफी देर हो चुकी है, बातें तो चलती रहेंगी। मेरे ख्याल से अब आप बेटी को बुलवा लीजिए। अब जी बस आती ही होगी। आफाक साहब, आपने अपने इस बेटे का कहीं रिश्ता तय कर लिया या अभी नहीं? बेटे के रिश्ते के लिए तो मुझे घर से बाहर जाना ही नहीं पड़ा, मेरे मरहूम भाई की बेटी है उससे रिश्ता तय किया है मैंने। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, बैठो बेटा। ये है हमारी बेटी नूर, मेरी भतीजी है, अब बहू बनने जा रही। चौहान साहब, आपका बिजनेस कैसा जा रहा है? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ फर्स्ट क्लास है। और माशाल्लाह बरखुरदार क्या कर रहा है? अभी तो पढ़ रहा है, लेकिन डेफिनेटली अपने आप मतलब मेरा बिजनेस संभालेगा। हाँ, अपने बिजनेस का ये फायदा तो है। जी हाँ। साइमा, लीना कहाँ रह गई है? जाओ पता करो उसका। बदतमीजी है लीना। क्या हुआ मामा? लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं और तुम अपने सैर सपाटों पे निकल गई। तुम्हें बोला भी था कि आज घर पर रहना। नूर बेटा इसे ले जाओ और जल्दी से तैयार करो। जी तैम। लेकिन मामा चुप, एक लफ्ज ना बोलना, जाओ जल्दी से तैयार हो। क्या है, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? मुझे घर के रास्ते पता है। यही तो तुम्हें नहीं पता, अक्सर लोग दुनिया के रास्ते नहीं भूलते मगर घर के रास्ते भूल जाते हैं। कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर तुम्हें हमाद की वजह से रिश्ता पसंद नहीं है तो मुझे बताओ, मैं नीचे जाकर सबको तुम्हारा फैसला सुना दूंगी, कह दूंगी कि रीना को ये रिश्ता पसंद नहीं है। मेरे मुंह पे बेवकूफ लिखा हुआ है? मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो। पहले भी समझाया ना तुम्हें,
मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मेरे कंधे पर रख के बंदूक चलाने की जरूरत है। जानती हूं मैं, जब तक मेरा रिश्ता पक्का नहीं हो जाता तुम्हारा और उज़ैब का रिश्ता भी लटका रहेगा। लेकिन तुम भी ये बात जान लो कि मेरी शादी जहां भी हो तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई उज़ैब से होगी। इसलिए मारुफ अली को भूल जा। तुम्हारे पास जीने के लिए खुद की जिंदगी काफी नहीं क्या जो मेरी जिंदगी में दखलंदाजी कर रही हो? वरदा, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो जो मुझसे जवाब की उम्मीद रख रहे हो। तुम्हें लीना के घर जाके ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मुझसे पूछ लेती, मैं सब बता देता। एक बार नहीं 100 बार पूछा था लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब मिल गया ना, अब लीना के जवाब को मेरा जवाब समझो तुम। सिर्फ लीना के जवाब को तुम्हारा जवाब नहीं समझ रही, लीना को भी तुम्हारा ही समझ रही। ठीक समझ रही हो तुम, और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे सवालों से दूर क्यों भागता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जवाब तुम्हें दुख पहुंचाएंगे और मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता। दुख नहीं पहुंचाना चाहते तुम मुझे? मेरी खुशियां जाके तुमने लीना की झोली में डाल दी और दुनिया के सारे दुख लाके मेरी हथेली में रख दिए और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहते। सच तो यह है हमार कि तुम मुझे अपनी मोहब्बत ही नहीं देना चाहते। वरदा, हमारा हमेशा से एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, हमने एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा है, अब तुम्हें क्या हो गया? बड़ी हो गई इसलिए छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़े बड़े दुख उठाने पड़ते। तो इसमें तुम्हारा कसूर है। मैंने तुम्हें कभी कोई ख्वाब नहीं दिखाया, मैं तुमसे कोई वादा किया, फिर मुझसे किस बात का गिला? गिला नहीं है मुझे तुमसे, मैं तो बस तुमसे अपने हिस्से की मोहब्बत कर रही। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं करते तो जाओ लीना से जाके पूछ। फिर वही लीना, लीना का नाम लिए बगैर तो बात नहीं कर सकती। मैं भी उसका नाम खुशी से नहीं लेती, मजबूरी से लेती हूँ और मेरी इस मजबूरी की वजह तुम हो। देखो वरदा, तुम क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों इतना शोर मचाया हुआ तुम दोनों ने? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बेटी लीना, आओ बेटा यहाँ आके बैठो। जाओ जाकर आंटी के पास बैठो। भाई बहुत इंतजार करवाया तुमने, मगर बहन बेटी है माशाल्लाह बहुत प्यारी। मैं भी इंतजार ही कर रही थी आप लोगों के जाने का। शरारती है, शरारत में कह रही है आप, प्लीज इसकी बात का बुरा ना मानिएगा। भाई अगर ये शरारत है तो जी भर के कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। चौहान साहब, आपने मेरी बेटी देख ली, मैंने आपका बेटा देख लिया। कोई सच्ची बात है, मुझे तो आपका बेटा बहुत पसंद आया, लेकिन हम बड़ों को यह हक हासिल नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कोई फैसला करें, क्योंकि बच्चों की पसंद और नापसंद तो जरूर पूछनी चाहिए ना। जी जी आप टाइम लीजिए, हमें भी कोई इतनी जल्दी नहीं है जी। अब बाबा कहेंगे कि बच्चों से मर्जी पूछनी है तो थोड़ा टाइम दे दें, थोड़ा इंतज़ार कर लें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को अपना फैसला अभी सुना दूँ। क्योंकि मुझे पता है
आप लोगों को इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। Excuse me. ये कौन सा तरीका इनकार करने का? इतनी अना जिद, बदतमीजी। आप लोगों को मेरी बदतमीजी नजर आती है? अपनी नाइंसाफी नजर नहीं आती? अरे बात ही हो रही थी, रिश्ता हो नहीं गया था। तो जहाँ रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ बात ही क्यों करनी है मामा? तो जहाँ रिश्ता करना है वो बता दो, वहाँ कर लेते। भाभी क्या कर रही है, बच्ची है, प्यार से बात कीजिए इससे। बच्ची? सबको आगे लगाया हुआ है और तुम कह रही हो बच्ची? जो होना था वो तो हो चुका, अब क्या कर सकते हैं? इसी बात का तो रोना है कि जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे किसी बहुत बड़े शहजादे का रिश्ता ठुकरा दिया मैंने। बस कर दो लीना, कितनी बहस करोगी अपनी माँ से? मैं बहस नहीं कर रही हूँ चाची, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहती हूँ। हाँ तो मैं मना नहीं कर रही, लो अपनी जिंदगी का फैसला, लेकिन इस वक्त जो तुम कर रही हो, जो बाहर कर आई हो, ठीक नहीं है। तो अब आप मुझे बताएंगी कि क्या ठीक है और क्या नहीं? मुझे बताने से पहले जाके अपनी बेटी को संभाले। हम सब तुम्हें अपने दुश्मन क्यों दिखाई दे रहे हैं? और नूर ने ऐसा क्या किया जो तुम ताने दे रही हो? आप खुद जाके नूर से क्यों नहीं पूछ लेती? और अगर हिम्मत नहीं है ना तो थोड़े दिन और सबर कर जाएं, आपको नूर के करतूत खुद नजर आ जाएंगे। हमाद, मैं खुद ऑफिस की चीजें घर पे डिस्कस नहीं करता और यही तुमसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि घर की बात ऑफिस में ना। ओके जी। हमने तुम्हारे लिए लड़की तो पसंद कर ली है, अब शादी की डेट तुमने डिसाइड करनी है। शादी? वरदा की बात कर रहा हूं, तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूं। वरदा बेटी कह रही है मुझे भूख नहीं है। उससे कहो खाने पर आए, सब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सुनो जी, एक खाने का ट्रे बना के उसके कमरे में पहुंचा दो, उससे कहो भूख नहीं भी है तो थोड़ा सा खा ले। जी अच्छा। क्या हुआ है वरदा? तुमने कुछ कहा उसे? नहीं डैड, मैंने कुछ नहीं कहा उसे। तो फिर उस बात का जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूं तुमसे। दिया तो है जवाब डैड, कुछ नहीं कहा उसे मैंने। मैं तुम दोनों की शादी की डेट के बारे में पूछ रहा हूं। मुझे तो जवाब नहीं दिया, तुम ही पूछ लो और जो भी डेट डिसाइड हो शादी की तैयारी शुरू करो। ओके? आप खाना तो खा लो। मुझे बताएंगी कि क्या ठीक है और क्या नहीं? मुझे बताने से पहले जाके अपनी बेटी को संभाले। नूर ने ऐसा क्या किया जो तुम ताने दे रही हो? आप खुद जाके नूर से क्यों नहीं पूछ लेती? और अगर हिम्मत नहीं है ना तो थोड़े दिन और सबर कर जाए, आपको नूर के करतूत खुद नजर आ जाएंगे। अगर तुम्हारे घर वालों के सामने जाने से पहले मैं घर वालों के सामने चली गई तो तुम्हारी और मारूफ अली की बात बताए बिना मैं रह नहीं पाऊंगा।
ये तरबियत की है तुमने अपनी औलाद की? आपका गुस्सा शिकवा बजा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लीना इस तरह से मेहमानों के सामने हमें जलील करेगी। जिस तरह तुम्हारी बेटी ने किया है ना, अगर मेरा बेटा ऐसा करता तो खड़े खड़े उसे घर से निकाल देता। ये बेटी है इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ये ना समझे कि जो उसने किया मुझे दिखाई नहीं दिया। तुमने पूछा उससे क्यों किया ये सब? पूछा, थप्पड़ मारकर पूछा। तो क्या वजह बताई? क्या वजह होगी, हमें परेशान करने के लिए उसके पास वजह होना जरूरी नहीं है। तो उसे एक बात मेरी तरफ से समझा देना कि अब कोई भी रिश्ता देखने के लिए आए तो उसके सामने इस तरह की कोई हरकत ना करे और उसे हमारा हर फैसला कबूल करना होगा। ये तो तुम मुझे बताओगे। मैं क्या बताऊंगी? तुमने देखा ना लीना ने आज क्या कुछ किया? जी देखा, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों कह रही हैं? कह नहीं रही, उसका किया तुम्हें दिखा रही हूं और तुमसे पूछना चाह रही हूं कि क्या तुम तो ऐसा नहीं करोगे? अम्मी मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर ऐसा नहीं करोगे तो औसेब के रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे ताया ये रिश्ता तय किए बैठे हैं और सच बात तो यह है कि मैं भी ये रिश्ता पक्का किए बैठी हूं। जब आप सबने पक्का कर ही दिया है तो मुझसे क्या पूछ रही हैं? मैं तुमसे ये पूछ रही हूं कि लीना ने आज ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी पूरी खबर अभी मिलना बाकी है? ऐसी कौन सी खबर है जो मिलना बाकी है? ऐसी कोई बात नहीं होनी आज, ना ही ऐसी कोई खबर है जो आपको मिलना बाकी है। आपको पता तो है लीना कुछ भी कह देती है। हाँ, लेकिन जब जब गुस्से में कुछ बोलती है तो सच बोलती है, और आज उसने जो भी कहा गुस्से में कहा। आपको उसके गुस्से का एतबार है, मेरे सच का एतबार नहीं। मुझे तुम पे एतबार है, मगर अपना एतबार टूटने से डरती हूँ। एक दफा कह दो ना। क्या? कि कैसा डर? मैं आपका एतबार टूटने नहीं दूंगी। बहुत बोलती हो तुम, आज मैं तुम्हारी कोई बात सुनने नहीं आया बल्कि तुमसे अपनी बात कहने आया हूं। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे लिए इस दुनिया में तुमसे बढ़ के कुछ भी नहीं है, मेरी अपनी जिंदगी भी नहीं।
जब मेरे लिए मुझसे लड़ती हो ना तो खुद से लड़ती बहुत अच्छी लगती हो। मैंने तुमसे ही सीखा है किसी एक की मोहब्बत दुनिया जीतने के लिए काफी होती है, और मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी दुनिया है। अगर मैं हार गया तो इस दुनिया से हार जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें कभी कह दूं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो मेरी किसी बात का यकीन मत करना, बल्कि मुझे मेरे मुंह पर बोलना कि नहीं हमाद, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पे हर इंसान अपना नसीब लेकर पैदा होता है, अपनी किस्मत जीता है। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि उसे वो सब कुछ मिले जिसकी वो ख्वाहिश करता है, जिसके लिए जस्तजू करता है, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होता। किसी के पास उसका घर बचता है तो उसके पास उसकी मोहब्बत नहीं बचती, और किसी के पास उसकी मोहब्बत बचती है तो उसका घर नहीं बचता। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे पास तुम्हारा घर भी रहेगा और तुम्हारा प्यार भी। दोस्तों, मुझसे किसी ने सवाल किया था कि ये मोहब्बत में एक आखिरी बार मिलना क्यों जरूरी होता है। अब उसे ये कौन समझाए कि मोहब्बत में किए जाने वाले सवालों के जवाब नहीं होते, सिर्फ सवाल अहम होते हैं। और मोहब्बत के सवालों में पहल वही करता है जो मोहब्बत देने में पहल करता है। तो खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पास सवाल करने वाले होते हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले होते हैं। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग। लीजिए आपका अगला ट्रैक। आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुमसे जरूरी बात करनी। जी कहिए, खैरियत है ना? कल तक तो सब खैरियत थी। अगर लीना मेहमानों के सामने इनकार ना करती तो उसका रिश्ता भी हो जाता और तुम्हारी भी नूर के साथ बात पक्की हो जाती। वो तो ठीक है, लेकिन देखे लेकिन क्या क्या तुम भी लीना की तरह रिश्ते से इनकार करना चाह रहे हो? नहीं बाबा, ये बात नहीं है। लीना ने सबके सामने रिश्ते से इनकार किया, गलती की उसने, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि नूर क्या चाहती है। वो जो चाहे उसके चाहने या ना चाहने से क्या होगा, वो तुम्हारे रिश्ते से और मेरे फैसले से इनकार नहीं कर सकती। तो फिर परेशानी किस बात की है? तुम्हारे मरहूम चचा की जायदाद की।
क्या मतलब? मतलब ये कि कारोबार, जायदाद, पैसा, ये सब तुम्हारे मरहूम चाचा के नाम है और इसकी इकलौती वारिस नूर है। जी मैं जानता हूं ये, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि जायदाद से जुड़ी जो वसीयत है वो तुम्हारे चाचा की नहीं। तो फिर किसकी है? ये वसीयत मैंने इसलिए बनवाई ताकि नूर और उसकी मां को तुम्हारे रिश्ते के लिए राजी कर सकूं। यानी अगर ये वसीयत ना होती तो चची जान नूर और मेरे रिश्ते से इनकार भी कर सकती थी। कर भी सकती थी, अगर रिश्ते से इनकार ना करती तो जायदाद में से हिस्सा देने से इनकार कर सकती थी। बेटा ये सब मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि लीना की तरह बेवकूफी ना करना, वरना नूर के रिश्ते के साथ साथ इस जायदाद से भी हाथ धोने पड़ेंगे। लेकिन चची जान ये बात तो जानती हैं कि ये सारी जायदाद उन्हीं की है। हाँ, ये वो जरूर जानती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वसीयत में जो लिखा है कि नूर की शादी उसैब से होगी, ये उनके शौहर की नहीं है वसीयत। बेटा लीना ने जिस तरह रिश्ते से इनकार किया, मैंने इस बात को इसलिए ज्यादा अहमियत नहीं दी ताकि नूर या उसकी मां को तुम्हारे रिश्ते से इनकार करने के लिए कोई वजह ना मिल जाए। कि अगर लीना अपनी मनमानी कर सकती है तो वो भी कर सकती है। समझ तो गए हो ना मैं क्या चाहता। भाई मैंने तो सोचा था कि लड़की मेरी पसंद की होगी और शादी की तारीख तुम्हारी पसंद की, लेकिन लगता है कि यह जिम्मेदारी भी मुझे ही निभानी होगी। इधर उधर क्या देख रहे हो तुम? तुमसे बात कर रहा हूं। वरदा की तरफ गुस्से में देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एहसान नहीं कर रहे तुम उस पर, बल्कि वो एहसान कर रही है तुम पर। तुमसे अच्छा लड़का डिजर्व करती है, लेकिन हर वक्त तुम्हारी बातें करती है। मंगनी आज शाम को होगी और ठीक दो हफ्ते के बाद शादी। ओके देखा मामा आपने डैड क्या कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसी होती हैं शादियां? नहीं ऐसे तो नहीं होती, लेकिन तुमने भी तो हमें मजबूर कर दिया है सब करने में हमाद। अब आप भी डैड के साथ ले रही हैं? वो तुम्हारी तरफ हूँ हमाद, लेकिन तुम भी तो हमारी बात को समझो, माँ बाप के जज्बात को भी तो समझो ना। ऑफ कोर्स मैं यहाँ बैठ के आपके जज्बात को समझूं और आप वहां जाके उस वरदा के जज्बात को समझे, यही कहना चाह रही है ना आप मुझे? देखो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वरदा से अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती। ये किसने कह दिया आपको? उससे अच्छी लड़की है। कौन है?
डैड तो वैसे भी मंगनी और शादी की तारीख फिक्स कर चुके हैं, अब कैसे बताऊं मैं आपको कौन है वो। कल रात मुझे भी मौका मिला लेकिन बता नहीं पाई। मौका मतलब? कल जब लीना ने घर आए रिश्ते से सबके सामने इनकार किया तो मम्मी आई थी मेरे पास। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे दिल में भी ऐसी कोई बात है तो मुझे अभी से बता दो, कल कला को लीना की तरह जलील नहीं कर देना सबके सामने। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती? चुप रही। यही तो बता रही हूँ कि कल मुझे मौका मिला था, मैं बता सकती थी तुम्हारे बारे में। तो बता देती ना यार। इतना आसान नहीं है ये, तुम बेटी नहीं हो ना किसी की, इसलिए तुम नहीं समझ सकते। अगर तुम कहो तो मैं अपनी फैमिली को ले आता हूँ, तुम्हारे घर वालों से खुद बात कर लेता हूँ। बात ये नहीं है कि बात तुम कर रहे हो या मैं करूँ, बात ये कि मेरी फैमिली मेरा और रज़ेब का रिश्ता तय किए बैठे और मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं इनकार कर सकूँ। तो मुझे पसंद करती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये वजह काफी नहीं है इस रिश्ते को कबूल करने के लिए? ये वजह काफी तो क्या, उनके लिए कोई वजह ही नहीं है। जो भी है, इस मोहब्बत का सारा जिम्मा सारा ठेका तुमने तो नहीं उठाया हुआ ना, मुझे भी कुछ करना चाहिए। क्या करोगे? कुछ भी, इस वक्त कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, कोई आए दरवाजे पे, मैं बाद में बात करती हूँ। हाथ से हाथ कोई